देखिए ना, जब बच्चे घर से निकाल देते हैं अपनी माँ को, तो वो माँ कहाँ जाएगी, किसके द्वार पे जाकर खटखटाएगी। इसलिए बिहारी जी ने सदा के लिए एक द्वार बना के रखा है, जिस द्वार पे कोई भी माँ आती है तो उस माँ को निराश नहीं होना पड़ता, उस माँ को यहाँ सेवा उन माँ की जाती है। कल ये माँ आई और माँ ये वही माँ है जिस माँ को आपके सहारे की जरूरत है। आप अपने हाथ सहयोग के जब इन माओं के लिए बढ़ाते हैं तो इन माओं के होंठों पे मुस्कान आती है। मैया जी आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर। हाँ। आपके घर में कौन कौन, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का, दो लड़के। एक बेटा है, दो बेटियां। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से आए हैं? मर्जी से आए हैं, खाए नहीं जाओ, बनाए भी नहीं जाओ। तो बेटा आपको बना के बहू बना के देती नहीं? एक बेटा है और माँ से बनाकर खाया नहीं जाता, अभी उम्र में कैसे बनाया जाए? तो आप यहाँ क्यों, कैसे आने का निर्णय लिया? आपने कथा सुनते थे आप? 5 महीना से कथा सुनती थी, तो रोज ऐसे कहता, तो कथा सुनती है, इस टीवी का बिल कौन देगा? माँ कथा सुनती थी तो बेटा बोलता था, टीवी का बिल कौन देगा, दिन भर कथा सुनती है। फिर मैंने बोली मैं कि मैं चली जाऊंगी कहीं। तो रोका नहीं उसने? किसी ने भी नहीं रोका, एक पोती ने ऐसे बोला, दादी दादी कहाँ जा रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, ऐसे बोल के आ गए। जयपुर में ही है कि आसपास कोई गांव है आपका? कौन सा गांव? बगवारा। जयपुर के पास बगवारा गांव। माँ का एक बेटा है और जब माँ घर से आई तो बेटे ने रोका भी नहीं। अब जो बेटा ये कहता हो कि टीवी देखती हो, माँ कथा देखती है 2.5 से 6, तो बेटा बोलता है इसमें पैसा कौन डलवाएगा, बिल कौन देगा? मतलब माँ टीवी देख रही है तो उसमें भी बिल माँ से ही लोगे, और माँ ने जीवन भर तुम्हें खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पेट में रखा, उसका बिल कौन देगा बेटा, उसका भी तो बिल दे दो। हाँ माँ बैठो, आपकी सेवा दास अनिरुद्ध करेगा। मैं कह दूं मेरी माँ, जिस दिन हमारे भारत की स्त्री जात अपना हिसाब मांगेगी तो दुनिया का कोई पुरुष उसका हिसाब दे ना पाएगा।